इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट मैच का चौथा दिन समाप्त हो चुका है और पहले सेशन से शुरुआत करें तो इंडियन टीम ने चौथे दिन की शुरुआत में पिछली पारी में शतक लगाने वाले केएल राहुल को मार्क बोर्ड ने 5 रन पर आउट कर दिया। इसके बाद रोहित शर्मा भी आउट हो गए। हालांकि आउट होने से पहले रोहित शर्मा ने कुछ अच्छे शॉट जड़े, लेकिन 21 रन के स्कोर पर उन्हें भी मार्क बोर्ड ने चलता किया। इसके बाद कुल स्कोर 27 रन था। विराट कोहली ने अच्छी शुरुआत की और कुछ अच्छे शॉट भी लगाए, लेकिन लंच से समय पहले सैम करन के गेंद पर 20 रन के स्कोर पर वह भी आउट हो गए। सेशन की समाप्ति तक कुल स्कोर 3 विकेट पर 56 रन था। पुजारा 3 और राणे 1 रन बनाकर क्रीज पर थे। दूसरे सेशन की बात करें तो लंच के बाद खेलते हुए इंडियन टीम ने इंग्लिश गेंदबाजों का डटकर सामना किया। चेतेश्वर पुजारा ने धीमी गति से खेलते हुए मजबूत तकनीक का इस्तेमाल किया। पुजारा और राणे ने मुश्किल स्थिति में टीम को संभालने का प्रयास किया। दोनों ने टी तक कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया और दूसरे सेशन की समाप्ति तक दूसरी पारी में भारत का स्कोर 3 विकेट पर 105 रन था। पुजारा 29 और राणे 24 रन बनाकर क्रीज पर थे। तीसरे सेशन की बात करें तो आखिरी सेशन में पुजारा और राणे ने मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी की। दोनों ने मिलकर शतक की साझेदारी की और इस दौरान राणे ने हाफ सेंचुरी भी जड़ी। इसके बाद पुजारा 206 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद राणे भी 61 रन बनाकर आउट हो गए। रविंद्र जडेजा को मोइन अली ने 3 रन के स्कोर पर आउट कर दिया और इंडियन टीम आखिरी सेशन की समाप्ति तक दूसरी पारी में 6 विकेट पर 181 रन बना लिए हैं। भारत के लिए ऋषभ पंत 14 और ईशांत शर्मा 4 रन बनाकर क्रीज पर हैं। टीम इंडिया की कुल बढ़त अभी भी 154 रनों की है और अब ये देखना होगा कि पांचवें दिन किसका होता है। अगली और लास्ट अपडेट की तरफ चले तो यूएई सरकार ने फैसला किया है कि आईपीएल 2021 के दूसरे फेज में स्टेडियम के अंदर 50% दर्शकों को प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक अमीरात क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के बीच सलाह मशवरा के बाद यह फैसला लिया गया। इससे पहले बीसीसीआई ने आईपीएल 2021 के पहले चरण की मेजबानी भारत में की थी, लेकिन 4 मई को वेरियस कोविड-19 मामले सामने आने के बाद आईपीएल 2021 को सस्पेंड कर दिया गया था। तब दर्शकों को स्टेडियम में आने की अनुमति नहीं थी। आईपीएल 2020 में भी दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। तब पूरा टूर्नामेंट यूएई में खेला गया था। आईपीएल मैचों के दौरान 50% दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश मिलेगा, जिससे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ेगा। आईपीएल 2021 के सेकंड फेज की शुरुआत 19 सितंबर से होगी। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच दुबई में पहला मुकाबला खेला जाएगा। इस फेज में कुल 31 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें प्लेऑफ शामिल है। 15 अक्टूबर को टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। आईपीएल 2021 के मुकाबले अबू धाबी, दुबई और शारजाह में खेले जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।